हम लोग पहुंचे थे बेटा क्वेश्चन थ्री पे। क्वेश्चन थ्री में जो क्वेश्चन के अंदर सारी एंट्रीज दी हुई है वो सारी हमारी कंप्लीट हो गई थी। ये कमीशन 5% ऑन सेल्स तक हमारा सब कुछ हो गया था। अब एक पॉइंट आती है क्लोथिंग स्टॉक की, वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक बोलते हैं, वो सिर्फ हमारा बाकी है। और कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं कि क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो, वो आपको हमेशा खुद ही फाइंड आउट करना है। अब मैंने खुद के दो मेथड बनाए हैं क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा मैंने बीकॉम की बुक्स में दे लिया है, थोड़ा मैंने सीए की बुक्स में दे लिया है, और दोनों को मिक्स कर दिया और मैंने खुद का ही एक मेथड बनाया है। और ये ही होती है इस चैप्टर की सबसे टिपिकल पॉइंट, क्लोथिंग स्टॉक। सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल होना, अमाउंट्स होना हमारे सामने बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल और अमाउंट्स होंगे तो मैं समझा पाऊंगा। यदि ये क्वेश्चन नंबर थ्री था, इसमें कंसाइनर ने 1000 फैन भेजे थे सेंट, उसे थे 100 फैन रस्ते में डिस्ट्रॉय हो गए थे ड्यू टू एक्सीडेंट। 900 फैन कंसाइनी के पास पहुंचे थे, उसने कंसाइनी ने 800 फैन सोल्ड बेच दिए थे, बाकी 100 फैन कंसाइनी के पास पहुंचे थे। तो ये जो 100 फैन, 900 फैन कंसाइनी के पास पहुंचे, उसने 800 बेच दिए, 100 फैन बच गए कंसाइनी के पास। ये जो 100 फैन कंसाइनी के पास बच गए वही हमारा क्लोथिंग स्टॉक है। अब इस चैप्टर में क्लोथिंग स्टॉक जो होता है, मैं थियरी वाले पेज में जा रहा हूं, इस चैप्टर में जो क्लोथिंग स्टॉक होता है उसमें दो मेथड होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दो मिनट नहीं लिखना, मैं टाइम दूंगा लिखने का। वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, इसमें जो हमारा पहला मेथड होता है उसका मैंने नाम रखा है व्हेन नॉर्मल लॉस इज नॉट गिवन, पहला मेथड। और ऑब्वियसली जो दूसरा मेथड होगा ये थोड़ा टिपिकल है, सेकंड मेथड का मैंने नाम रखा है व्हेन नॉर्मल लॉस इज गिवन। तो ये मेरे दो मेथड हो गए, व्हेन नॉर्मल लॉस इज नॉट गिवन और व्हेन नॉर्मल लॉस इज गिवन। ये हमारे क्लोथिंग स्टॉक के दो मेथड होते हैं, क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं, नॉर्मल लॉस नॉट गिवन और नॉर्मल लॉस गिवन। अब पहले ये समझो कि नॉर्मल लॉस होगा कब। नॉर्मल लॉस तभी होगा जब हमारे जो गुड्स हैं वो ऑयल या पेट्रोल या केमिकल या डीजल, ऐसे गुड्स होंगे जिनमें नेचुरल लॉस होगा, उनमें नॉर्मल लॉस होगा। अब नॉर्मली कौन से टाइप के क्वेश्चंस में नॉर्मल लॉस आएगा, जब आपका जो गुड्स है उसमें पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई केमिकल हो या ऑयल हो या कोई लिक्विड मटेरियल हो, ऐसा मटेरियल हो जो इवोपरेट हो जाए, इन सब में नॉर्मल लॉस आएगा। अच्छा, कब नॉर्मल लॉस नहीं हो सकता है, नॉर्मल लॉस कब नहीं होगा, जब आपके गुड्स में टीवी हो, एसी हो, टीवी एसी फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, ऐसे गुड्स होंगे तो उनमें कभी भी नॉर्मल लॉस नहीं होता है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे बोलता हूं कि टीवी कभी इवोपरेट थोड़ी हो जाएगा, एसी कभी इवोपरेट थोड़ी हो जाएगा, या फैन या रेफ्रिजरेटर। तो जब इस टाइप के गुड्स आते हैं, टीवी एसी फैन रेफ्रिजरेटर, तो नॉर्मल लॉस नहीं होगा। यदि हमारा क्वेश्चन थ्री है, उसे हमारे प्रोडक्ट है हमारा फैन मतलब पंखा, तो वो कभी इवोपरेट थोड़ी हो जाएगा। फैन वाले एग्जाम्पल में कभी भी नॉर्मल लॉस होगा ही नहीं। अब दिमाग लगाओ, पेट्रोल या डीजल या केमिकल या ऑयल हो, थोड़ी मैं हार्ड वाली बात बोलने वाला हूं, सुनना ध्यान से, पहली बार में दिमाग में नहीं जाएगा, ध्यान से सुनना। हो सकता है कि पेट्रोल वाला एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन में प्रोडक्ट हो पेट्रोल, लेकिन उसमें क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया हुआ ही नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन पेट्रोल वाला है
लेकिन नॉर्मल लॉस दिया हुआ ही नहीं है। मैंने बोला हो सकता है, हो सकता है पेट्रोल वाले क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया हुआ, डीजल वाले क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया हुआ, एसी या टीवी या फैन वाले क्वेश्चन में कभी भी नॉर्मल लॉस दिया हुआ ही नहीं होगा, नहीं तो वो क्वेश्चन ही गलत है। एसी या टीवी में कभी नॉर्मल लॉस हो ही नहीं सकता है, पेट्रोल या डीजल में नॉर्मल लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेरी पहली पॉइंट समझो कि फर्स्ट मेथड कब अप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों का फॉर्मूला, दोनों का स्टेटमेंट कैलकुलेशन अलग अलग है। तो फर्स्ट मेथड कब करना है, जब नॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ। सेकंड मेथड कब करना है, जब नॉर्मल लॉस दिया हुआ। ठीक है, ये पेट्रोल डीजल काम का नहीं है, काम का ये नॉर्मल लॉस दिया हुआ होना चाहिए और यहाँ पे नॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ होना चाहिए। तो पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, स्टेटमेंट बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। इसमें पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का और दूसरा कॉलम होता है अमाउंट का। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही होती है स्टेटमेंट जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस सीखा, सेम वैसा ही। जैसा वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस सीखा वैसा ही। इसमें तीन अमाउंट प्लस होती है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, दूसरा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तीसरा प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। ये तीन अमाउंट हमेशा आपको प्लस करनी है क्लोथिंग स्टॉक के पहले मेथड में। अब आपको मालूम होगा जब हम लोग अबनॉर्मल लॉस निकाल रहे थे, अब याद होना चाहिए बेटा पुरानी बातें सारी, पुरानी सारी बातें याद होनी चाहिए। आपको मालूम होगा जब हम लोग अबनॉर्मल लॉस निकाल रहे थे तो मैंने बोला था अमाउंट नंबर 1 और अमाउंट नंबर 2, पहली दो अमाउंट कंपलसरी ऐड करनी है, तीसरी अमाउंट कभी हाँ कभी ना। अबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं, अबनॉर्मल लॉस में ये जो तीसरी अमाउंट है वो कभी ऐड होती है कभी नहीं होती है, वो लास्ट वीडियो देख लेना उसमें मैंने समझाया। लेकिन क्लोथिंग स्टॉक निकालते टाइम कंपलसरी ये तीन अमाउंट ऐड करनी है। अबनॉर्मल लॉस में पहली दो अमाउंट हाँ, तीसरी अमाउंट कभी हाँ कभी ना। क्लोथिंग स्टॉक में कंपलसरी तीनों अमाउंट ऐड करनी है, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, तीनों अमाउंट ऐड करनी है। यहाँ पे आपको अगर याद हो तो कितनी यूनिट्स पे, मतलब कितने फैंस पे कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया था, फिर आपको याद होगा तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था कि 1000 फैंस पे कंसाइनर ने खर्चा किया था 25,000, तो उसने 100 फैन जो बच गए क्लोथिंग स्टॉक के उसमें कितना खर्चा किया होगा, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, ये थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी दिमाग लगाओ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व कराने वाला हूं, दिमाग लगाओ। कंसाइनी ने कितने फैंस पे कितना खर्चा किया, ये वाली अमाउंट भी थोड़ी हार्ड होती है जिसको मैंने येलो कलर किया है, और ये वाली अमाउंट भी थोड़ी हार्ड होती है। कंसाइनी ने कितने फैंस पे खर्चा किया, दिमाग लगाओ, थोड़ा हार्ड है, मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं सुनना ध्यान से। कंसाइनी ने उतने ही फैंस पे खर्चा किया होगा जितने फैंस कंसाइनी के पास पहुंचे, तो कंसाइनी के पास कितने फैंस पहुंचे, 900। कंसाइनर ने भेजे थे 1000 फैंस, 100 फैन रस्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, तो कंसाइनी के पास पहुंचे कितने, 900 फैंस पहुंचे। उस पे कंसाइनी ने कितना खर्चा किया होगा, ये खर्चे के अंदर भी एक एडजस्टमेंट है, कंसाइनी के सारे खर्चे नहीं लेते, कंसाइनर के नर के सारे खर्चे लेते हैं, लेकिन कंसाइनी के सारे खर्चे नहीं लेते हैं। वो मैं बताऊंगा कौन से लेने हैं कौन से नहीं। यहाँ पे जो कंसाइनी के खर्चे लेने हैं उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग, क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग, ओनली
नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ये मैं समझाऊंगा कि नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं। अब ये तीन अमाउंट हो गई आपकी, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक प्रपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर और एक प्रपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। इन तीनों को ऐड करके, हमारा एक टोटल कॉस्ट आएगा, हमारा एक टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स आएगा। इसमें आपको अगर याद हो, जैसे हम लोग 11th और 12th में फाइनल अकाउंट्स करते थे, ये थियरी वाले पेज इधर बेटा, मेरे को सारा फॉर्मेट बताना पड़ेगा कि क्लोथिंग स्टॉक कैसे निकालते। आपको अगर याद हो फाइनल अकाउंट्स हम लोग करते थे 11th और 12th में, उसमें एडजस्टमेंट में अगर ऐसा आता है कि क्लोथिंग स्टॉक रिक्वायर्स रिपेयरिंग एक्सपेंस, मैं एकदम मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं आएगा। क्लोथिंग स्टॉक रिक्वायर्स रिपेयर एक्सपेंस ऑफ रुपीज, मान लो 50 रुपए, तो वो रिपेयर एक्सपेंस जो होता है उसकी हम लोग कोई एंट्री नहीं करते थे, लेकिन रिपेयर एक्सपेंसेस हम लोग क्या करते थे, मान लो 50 रुपीज दिया हुआ है, तो ये 50 रुपीज हम लोग खाली क्लोथिंग स्टॉक में थे माइनस कर देते थे, बस क्लोथिंग स्टॉक में थे माइनस 50 रुपीज। इस 50 रुपीज की कोई एंट्री नहीं करनी है, ये क्लोथिंग स्टॉक में थे सिर्फ माइनस करना है। अब यहां पे आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। ये हमारा फाइनल आंसर है वैसे, ये वैसे हमारा फाइनल आंसर है, बट इसके बाद भी दो अमाउंट और होती है, अभी भी दो अमाउंट और है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स प्लस प्रपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। बस समझ लो यहां तक सब कुछ सॉल्व हो गया, क्योंकि रिपेयर एक्सपेंस 100 में थे कि एक एग्जाम्पल में दिया होता है रिपेयर एक्सपेंस, अगर हो तो माइनस कर देना, नहीं हो तो जीरो। इसके बाद कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक आ गया। अब इसके बाद एक ऐड होती है अमाउंट, एक टॉपिक आता है इस चैप्टर में जो अभी तक मैंने समझाया नहीं क्योंकि पहला क्वेश्चन है। एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस की मीनिंग मैंने अभी तक नहीं बताई है, इनवॉइस प्राइस क्या होता है मैं समझाऊंगा, ऑब्वियसली मैं हर एक शब्द समझाऊंगा, लेकिन इतना समझो सबसे छोटा होता है कॉस्ट प्राइस, उससे बड़ा होता है इनवॉइस प्राइस, उससे बड़ा होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये तीन अमाउंट होती है, तीन गुड्स की वैल्यू होती है। तो कॉस्ट प्राइस आ गया, इसमें पहला प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो इनवॉइस प्राइस आएगा, और एक और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, एक और प्रॉफिट ऐड करेंगे, इनवॉइस प्राइस के बाद एक प्रॉफिट और आता है वो ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, लेकिन सेलिंग प्राइस तक हमको जाना नहीं है, हमको इनवॉइस प्राइस तक ही जाना है। पहले तो आप सब लोग इतना फॉर्मेट याद करो, लिखो नहीं प्लीज, फॉर्मेट याद करो। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, एक्सपेंस ऑफ नर, एक्सपेंस ऑफ नी, प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ नर, प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ नी, लेस रिपेयर एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। उसमें अगर प्रॉफिट हो, इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन हो तो प्रॉफिट होगा, वो ऐड कर दो तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगा, डन। ये पहला मेथड कंप्लीट हो गया। अमाउंट्स के साथ ऑब्वियसली ज्यादा समझ में आएगा फॉर्मेट, इससे ज्यादा दुनिया का कोई एग्जाम्पल लेके आओ, इससे ज्यादा क्लोथिंग स्टॉक में कुछ नहीं होगा। पहले मेथड में, पहले मेथड का नाम होता है व्हेन नॉर्मल लॉस इज नॉट गिवन, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करूंगा और आप लोग थियरी वाले पेजेस में ये सारा लिखोगे। फर्स्ट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। आज का दिन आप लोग सिर्फ फॉर्मेट भी याद कर लोगे तो भी मेरे लिए बहुत है, अमाउंट्स के साथ मैं समझाऊंगा जब एग्जाम्पल्स आते जाएंगे। अब सेकंड मेथड जो होता है क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का, वो हम अप्लाई करते हैं व्हेन नॉर्मल लॉस इज गिवन। तो इसमें स्टेटमेंट में तीन कॉलम होते हैं, एक पर्टिकुलर्स, एक क्वांटिटी मतलब यूनिट्स आप बोल सकते हो, यूनिट्स या
क्वांटिटी और एक कॉलम होगा अमाउंट, तीन कॉलम, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। इसमें स्टार्ट कैसे होता है? इसमें स्टार्ट होता है कॉस्ट। अब आपको याद होगा अबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, आपको याद होगा अबनॉर्मल लॉस में भी पहली लाइन में कॉस्ट प्राइस था, क्लोजिंग स्टॉक के पहले मेथड में भी पहली लाइन में कॉस्ट प्राइस था, क्लोजिंग स्टॉक के दूसरे मेथड में भी पहली लाइन में कॉस्ट प्राइस है। मतलब आपको कोई भी गुड्स की आप वैल्यू निकाल रहे हो, कोई भी गुड्स की वैल्यू निकाल रहे हो, पहली लाइन में आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, फिर एड, एड यहाँ पे प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, यहाँ पे ऑल होगा, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। अब यहाँ पे आएगी क्वांटिटी जो हमने गुड्स भेजे, और यहाँ पे आएगी जो गुड्स भेजे उसकी अमाउंट, फिर एक्सपेंसेस पे करते टाइम सिर्फ अमाउंट ऐड होगी, क्वांटिटी ऐड नहीं होगी। मतलब एक्सपेंस पे करने से दिमाग लगाओ, कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किया तो उसमें खाली गुड्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, गुड्स की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। मैं फिर से बोलता हूँ, कंसाइनर ने जब खर्चा पे किया होगा तो गुड्स की जो अमाउंट है, वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी, गुड्स की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, क्वांटिटी उतनी रहेगी जितने कंसाइनर ने गुड्स बेचे थे, तो क्वांटिटी में आएगा जीरो। इसके बाद एड, कंसाइनर के एक्सपेंस करने के बाद यहां पे हम लोग एक टोटल लिखेंगे। अब इस फॉर्मेट में हर एक अमाउंट प्लस माइनस करने के बाद आपको एक टोटल लिखना है, कंसाइनर के एक्सपेंस हो गए, फिर एक टोटल, ठीक है, इसके बाद आएगा लेस अबनॉर्मल लॉस, उसके बाद फिर से एक टोटल। मतलब जो भी हम प्लस करें, जो भी हम माइनस करें, उसके बाद हर लाइन के बाद एक टोटल करना जरूरी है सेकंड मेथड में। अब ये ऐड कंसाइनर के एक्सपेंस करने के बाद अबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि अमाउंट्स नहीं है ना, अमाउंट्स और क्वांटिटी नहीं है, तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आज का मेरा टारगेट यही है कि आप लोग फॉर्मेट याद कर लो। तो पहले हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट लिखा, फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेस प्लस किए, फिर ये टोटल आ गया, फिर अबनॉर्मल लॉस हम लोग माइनस करेंगे। जब हम लोग अबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे तो क्वांटिटी भी माइनस होगी, क्वांटिटी भी माइनस होगी और अमाउंट भी माइनस होगी, क्वांटिटी भी माइनस और अमाउंट भी माइनस। इतना करने के बाद फिर से एक टोटल करेंगे, इतना करने के बाद एक और टोटल आएगा, ठीक है। अब उसके बाद लेस अबनॉर्मल लॉस करने के बाद हम लोग लिखेंगे एड, यहां पे एक टॉपिक आता है नॉन रिकरिंग, क्या, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेस नहीं लिखते हैं, सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लिखते हैं। और जैसे कंसाइनर के एक्सपेंसेस प्लस किए थे तो उसमें क्वांटिटी जीरो थी और अमाउंट ऐड की थी, उसी तरह कंसाइनी के एक्सपेंस प्लस करते टाइम क्वांटिटी जीरो होगी पर अमाउंट ऐड होगी। मैं यहाँ पे प्लस की साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे एक प्लस की साइन लगा देता हूँ, उसी तरह यहाँ पे भी एक प्लस की साइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट प्लस एक्सपेंस, ये क्वांटिटी और अमाउंट तो सब तीन चार बार रिपीट होगा, फिलहाल पर्टिकुलर्स का कॉलम याद करो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, फिर एक्सपेंस ऑफ नर, फिर माइनस अबनॉर्मल लॉस, फिर एक्सपेंस ऑफ नी, फिर माइनस नॉर्मल लॉस। अभी आपको अगर थोड़ा बहुत भी नॉर्मल लॉस के रूल्स याद हो तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल लॉस की कोई अमाउंट नहीं होती है, नॉर्मल लॉस की कोई अमाउंट नहीं होती है। अगर आपको मैं दिखाऊं, मैंने आपको थियरी वाले पेजेस में लिखाया भी है, ये रहा नॉर्मल लॉस, नो एंट्री इज डन फॉर नॉर्मल लॉस, क्योंकि इसकी कोई अमाउंट नहीं होती है, ओनली क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोथिंग स्टॉक। नॉर्मल लॉस की कभी कोई अमाउंट नहीं होती है, सिर्फ क्लोथिंग स्टॉक निकालते टाइम सिर्फ इसकी क्वांटिटी माइनस हो जाती है, ये मैंने लिखा है थियरी वाले पेजेस में। तो ये नॉर्मल लॉस पे हम पहुंचे, इसकी कोई अमाउंट नहीं होती है,
इसकी कोई अमाउंट नहीं होती है, सिर्फ इसकी क्वांटिटी माइनस होती है, ठीक है। तो जहां जहां पे भी जीरो है डैश है उन पे भी आपको ध्यान रखना है, जितना अच्छी तरह आप फॉर्मेट याद कर पाओ। अब इसके बाद हर लाइन के बाद एक टोटल करना है, ठीक है। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी माइनस कर दी, उसके बाद फिर से एक टोटल करना है। अब ये अमाउंट में से जीरो माइनस करोगे तो सेम वही अमाउंट आएगी ये वाली। इतना आ जाने के बाद हम लोगों को क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। इतना आ जाने के बाद इक्वल टू यहां पे आएगा क्लोथिंग स्टॉक, और ये क्लोथिंग स्टॉक की हमारी कॉस्ट प्राइस आप बोल सकते हो होगी। यहाँ पे क्लोथिंग स्टॉक की क्वांटिटी हम लोग लिखेंगे और उसके सामने हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरा तो बेटा हजारों बार किया हुआ है इसलिए मेरे को हर एक नंबर टू नंबर याद है, आप लोग तो पहली बार कर रहे हो। आपको ये फॉर्मेट याद करना है, फॉर्मेट याद करने की एक ट्रिक बताऊं, देखो एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, फिर ऐसे याद करने का एक्सपेंस लॉस, एक्सपेंस लॉस, ऐसे याद करो एक्सपेंस लॉस, एक्सपेंस लॉस। पहले एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, फिर अब नॉर्मल लॉस, फिर एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, फिर नॉर्मल लॉस। ऐसे याद करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना। एक्सपेंस लॉस, एक्सपेंस लॉस, एक्सपेंस दोनों का, कंसाइनर का और कंसाइनी का, दोनों का एक्सपेंस प्लस होगा, लॉस दोनों माइनस होंगे क्योंकि दोनों लॉस में हमारे गुड्स गए, तो एक्सपेंस लॉस, एक्सपेंस लॉस, ऐसे याद करना है, ठीक है। इसके बाद क्लोथिंग स्टॉक यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि इतने गुड्स की इतनी वैल्यू, तो इतने गुड्स की कितनी वैल्यू, इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली इस स्टेटमेंट में, ये वाली स्टेटमेंट में दो जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एक यहां पे क्लोथिंग स्टॉक में और एक अबनॉर्मल लॉस में। यहां पे दो जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एक अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू ये वाली निकाल देना है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और एक क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। दो जगह पे स्टेटमेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। आप, मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अमाउंट्स नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, बट मैं क्या करूं, एज अ फॉर्मेट मेरे को पहले आपको याद कराना है ये फॉर्मेट, और जब अमाउंट्स आ जाएंगी तब बहुत मजा आएगा जब हम नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मेट अच्छी तरह से याद करो। मैंने कैसे याद दिलाया, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, फिर एक्सपेंस लॉस, एक्सपेंस लॉस, ओके, फिर क्लोथिंग स्टॉक आ गया। इतना क्लोथिंग स्टॉक आ जाने के बाद अगर कोई रिपेयरिंग एक्सपेंस है जैसे पहले मेथड में था, तो उस रिपेयर एक्सपेंस को माइनस कर दो। अगर कोई रिपेयरिंग एक्सपेंस हो तो यहां पे उसको अमाउंट में से माइनस कर देना। हर एक लाइन के बाद प्लस माइनस के बाद टोटल करना जरूरी है। अगर कोई एक्सपेंस हो तो उसको अमाउंट में से माइनस कर देना, ठीक है। इसके बाद फाइनल आंसर जो यहां पे आएगा इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। इसके बाद अगर इनवॉइस प्राइस वाला सम नहीं है, अगर इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन नहीं है तो यही आंसर है, अगर इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन नहीं है तो यही आंसर है, और अगर इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है, अभी तक मैंने आपको ये भी नहीं बताया इनवॉइस प्राइस क्या होता है, अगर इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है तो इसके बाद एक प्रॉफिट ऐड होगा। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को ऐड करेंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। बस प्रॉफिट ऐड करने के बाद खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे लास्ट आंसर, इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बस इससे ज्यादा कभी भी कुछ भी नहीं होगा, ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो अमाउंट्स नहीं है, मैं चार पांच बार बोल दिया मैंने अमाउंट्स नहीं है, तो फॉर्मेट याद करो। ये फॉर्मेट कब अप्लाई करना है, जब नॉर्मल लॉस दिया हुआ हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट प्लस एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर माइनस अब नॉर्मल लॉस प्लस एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी
माइनस नॉर्मल लॉस इक्वल टू क्लोथिंग स्टॉक, अगर रिपेयर एक्सपेंस अगर दिया हो तो माइनस द कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक आ जाएगा, फिर प्रॉफिट प्लस फिर इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। तो मैंने दोनों फॉर्मेट बता दिए आज कि क्लोथिंग स्टॉक के दो फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। पहला फॉर्मेट जब नॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ, और दूसरा फॉर्मेट जब नॉर्मल लॉस दिया हुआ। इन दो में से कोई एक मेथड होगा, ये आधा बीकॉम वाला मेथड है आधा सीए वाला मेथड है, इन दो में से हमेशा एक मेथड आएगा। ठीक है, अभी इतना लिखना है आप लोगों को, वीडियो पॉज करके लिख लो। एक बार मैं ऊपर नीचे स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूं। जैसे आप लिख सको, ठीक है, शुरू करो, लिखो बेटा।